आपके घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस दिशा में दोष पैदा हो जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार इस कोने का स्वामी राहु है, जो अचानक फायदा और नुकसान देता है। इसलिए ही इस कोने में भरी और भरा हुआ रखना चाहिए, जिससे राहु ग्रह शांत रहे। इस दिशा में शौचालय होने से पितृ दोष भी माना जाता है। राहु और पितृ दोष के कारण इस घर को शापित भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो दोष बना ही रहता है। आपके घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ही सबसे ज्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है। वास्तु के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा से निकलने वाली ऊर्जा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जाकर रुकती है, इसलिए ऊर्जा से भरे इस कोने को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। घर में वास्तु दोष दूर करने से पहले दक्षिण पश्चिम हिस्से के दोष दूर करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके दोष के दूर होने के बाद ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, जिससे शांति और स्थिरता आएगी। कुछ लोग घर के इस कोने में पैसा भी रखते हैं ताकि सेविंग बढ़े और बचत हो। वास्तु के अनुसार यही दिशा जिंदगी में अस्तित्व देने वाली होती है। घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा हमारी बचत, पैसा, पेट के नीचे हिस्से के रोग, बिजनेस का नुकसान जैसी बातों से जुड़ा है। इस हिस्से में कोई भी दोष होने से इस तरह की परेशानियां आती है। घर के इस हिस्से में कैसे होता है दोष? घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में बोरिंग या कोई पानी का सोर्स होना सबसे बड़ा दोष होता है, जिससे घर में कभी भी शांति नहीं रहती। इसी कारण घर का कोई सदस्य गलत आदतों का शिकार होता है। घर के इस कोने में किचन या टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर के लोग गलत कामों में लग जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ रहने वाले लोगों का बुरा समय शुरू होता है। घर का यह कोना टूटा हुआ या आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो उस घर में रहने वाले लोगों पर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और उस घर में रहने वाले लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए घंटी पर क्लिक करें।